हेलो 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 भाई, एक बार फटाफट लिख दो क्या मैं दिख रहा हूँ। या खुश रहो दीपू, बस एक बार बोल दो यस सर मैं दिख रहा हूँ और मेरी आवाज़ आ रही है ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है। हाय 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 हाय, हेलो हेलो आदर्श, हेलो अमन, हेलो दीपू, हेलो थियोन, हेलो रिशिता, मैं दिख रहा हूँ क्या? एक बार लिख दीजिए बस। हाँ दिख रहे हैं और आवाज़ आ रही है, बस सब कुछ क्लियर है ताकि हम स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। गर्दा मचा देंगे। बिल्कुल आ मचा देंगे, देखिए हम मचा देते हैं, चलो गर्दा ही मचाते हैं। बेंट रूल के अंदर कल हमने एक लाइन पढ़ी थी क्या, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान रखना इधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां लेस एस कैरेक्टर हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हो, और लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड वहां रहेगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। और नोट करके एक लाइन और लिखी थी हमने कि लोन पेयर हैज स्लाइटली मोर एस कैरेक्टर। स्लाइटली मोर एस कैरेक्टर देन बोलो मल्टीपल बॉन्ड। ये आपको याद होना चाहिए भाई, तभी आप बेंट रूल के सवाल कर पाएंगे। देखो अब इसके बाद इसको सिर्फ अप्लाई करना है। क्या बोला जल्दी बताओ? इसको सिर्फ अप्लाई करना है मेरे दोस्त। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, बेंट रूल क्या था, स्टेटमेंट क्या दिया था उसने बताओ। उसने स्टेटमेंट दिया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां रहेगा जहां इस करेक्टर क्या हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां रहेगा जहां इस करेक्टर क्या होगा, कम। लोन पेयर और मल्टीपल वहां रहेगा जहां स्पेक्टर ज्यादा होगा, और लोन पेयर जो होगा वो स्लाइटली मोर स्पेक्टर रखेगा। इसके बाद अगर याद हो तो हमने की पॉइंट पढ़ा था, कुछ याद आ रहा भाई? की पॉइंट क्या था? की पॉइंट ये था कि उस की पॉइंट में हमने लिखा था कि अगर एस करेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो क्या लिखा था? एस करेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाय आना, वाओ। तो यहां अगर हम देखें, इस की पॉइंट की हेल्प से हमने कल दो सवाल किए थे। ठीक है, अब हम आगे के सवाल करेंगे दोस्तों। जी 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 ठीक है, अब हम दो सवाल करेंगे, अब सवालों की बारिश होने वाली है जी। पहला सवाल आपके पास, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ पी सी एस थ्री सी एफ थ्रू, पी सी एस थ्री सी एफ टू, है दोनों एक जैसे हो गए क्या? यहां टू कर देते हैं, यहां थ्री कर देते हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखो ध्यान से, तो क्या होगा यहां पर कि कंपेयर कर रहे हैं हम डाइपोल मोमेंट ऑफ पी सी एस थ्री होल थ्री, सी एफ थ्री होल टू, पी सी एस थ्री होल टू और सी एफ थ्री होल थ्राइस। अब आपसे पूछा इसका डाइपोल मोमेंट निकालो। अब डाइपोल मोमेंट निकालने का रूल बताता हूं क्या। सबसे पहले अगर बेंट्स रूल की बात की जाए तो हमने कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां इस करेक्टर कम हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां इस करेक्टर कम हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, कहां आएगा ये सी एफ थ्री और सी में तो दोनों ही एक जैसे हैं, कौन कहां जाएगा कैसे पता लगेगा? देखो जरा, ये आपका सी एच थ्री है और ये आपका सी एफ थ्री है। क्लियर? अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट से। हाँ है ना। अब ये कार्बन और इस कार्बन में डिसाइड कैसे करें कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ही वहां जाएगा जहां इस करेक्टर कम हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां इस करेक्टर कम हो। हाँ है ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां इस करेक्टर कम हो। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कैसे पता लगाएं कि इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो देखो, जब दोनों सही बैठा हो तो सराउंडिंग के पास चले जाओ। यहां एफ होगा तो एफ अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा जिसकी वजह से यहां प्लस आएगा। यहां पर एच है तो एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है तो नेगेटिव आएगा। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एटम पर बढ़ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। ई एन का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ई एन का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ई एन का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब मुझे बताओ कि कौन कहां जाएगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति,
यहां पर सी एस थ्री आएगा और ये जो सी एस थ्री है वो यहां आएगा। अब आप देखोगे तो आपको क्या पता चला कि दोनों सी एफ थ्री हाँ है ना, दोनों सी एफ थ्री जो है वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और इधर देखोगे आप तो ये दोनों जो है वो तीनों एक दूसरे को 120 पर इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट म्यू है वो जीरो आएगा, और म्यू जीरो है तो नॉन पोलर हो जाएगा। इसका मतलब ये तो हो गया नॉन पोलर, हाँ या ना, दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, हाँ या ना। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले में देख के बताओ कौन कहाँ जाएगा, बोलो इधर देख के बताओ, ये आपका सी एफ थ्री है, कहाँ आएगा सी एफ थ्री, ये तो मुझे पता ही था कि दो तो हैं तो यहां आएंगे। अब जो एक सी एफ थ्री बचा वो कहां आएगा, वो यहां आएगा एक सी एफ थ्री, ठीक है। दूसरा वाला कहां आएगा, अब ये सी एस थ्री आएंगे क्योंकि बचे हुए सी एस थ्री ये हैं। कल मैंने बताया था ना कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां और यहां आएंगे, उसके बाद अगर कोई तीसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इन तीनों पोजीशन में से कहीं भी आ सकता है, क्योंकि तीनों जगह 33 33 33% एस करेक्टर था, तीनों जगह क्या था 33 33 33% एस करेक्टर है, हाँ या ना, क्या बोला जल्दी बताओ, 33 33 और 33% एस कैरेक्टर, तो ये कहीं भी रख सकते थे। लेकिन अब इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि यहां पर ये देखेंगे अपन तो ये क्या होगा, जीरो कर देगा इसको, लेकिन ये वाला पार्ट इन दोनों से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये सी एफ थ्री है, म्यू नॉट जीरो होगा, म्यू नॉट जीरो होगा तो ये क्या होगा पोलर, म्यू नॉट जीरो होगा तो ये क्या होगा पोलर, तो ये देख सकते हैं आप यहां पर क्या आ गया, ये म्यू नॉट जीरो इसका मतलब पोलर, तो एक नॉन पोलर है एक पोलर, इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सीईओ, मेरे आईटीएन और मेरे करोड़पति, समझ में आ रहा है, ध्यान रखना जो भी मेरा दोस्त यहां पढ़ रहा है उसका नाम मैंने डाल दिया, मेरा दोस्त, मेरा सीईओ, मेरा करोड़पति और मेरा आईटीएन, ये याद रखना हमेशा से, ठीक है। अब इसमें एक और लॉजिक होता है, लॉजिक क्या है देखो, कि ये आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां एस करेक्टर क्या है जीरो, यहां एस करेक्टर क्या है जीरो, ये आपका 33% था, ये आपका 33.33% था, ये आपका 33.33% था, क्लियर। अब इसमें एक लॉजिक और लगता है, अगर हम सी एफ थ्री की बात करें, ये सी एफ थ्री है, इसमें चार ऑर्बिटल होंगे जिसमें से एक एरा एक एरा एक एरा, दिमाग की बत्ती जलाओ बस अब आप, एरा, तो एक एफ है एक एफ है एक एफ, ये तीनों एफ एस करेक्टर कम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे बताओ, यहां पे एस करेक्टर क्या होगा कम, और यहां इस करेक्टर क्या हो जाएगा फिर ज्यादा। अब आपके दिमाग की बत्ती जली कि यहां इस करेक्टर ज्यादा है तो सेंट्रल एटम यही चाहेगा कि ये सेंट्रल एटम रहा भाई, ये यही चाहेगा कि मैं इस जीरो वाले ऑर्बिटल में वो लाऊं जो यहां पर इस करेक्टर ज्यादा होगा, उस ऑर्बिटल को यहां अटैच करना पसंद करूंगा। माइक हैज डिस्टर्ब, प्लीज सेटअप, क्या डिस्टर्बेंस हुई है माइक को, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है दोस्त, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अभी ठीक है, साउंड प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, यार ये माइक यहाँ रख लेते हैं, आप बोलो इससे ज्यादा तो क्या करूँ बताओ, आप देखो भैया सारे स्पीड को खराब कर रहे हैं, अभी ठीक, अभी ठीक। पॉजिटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे बढ़ी, देखो पॉजिटिव चार्ज जब आता है ना तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बहुत नॉइस आ रहा है, अभी भी आ रहा है क्या, चलो एक मिनट रुको, टेक्निकल टीम को बोलता हूं मैं, 2 मिनट रुको, गेट में था अभी ऊपर लिया मैंने, कहीं गेट चढ़ रहा हूँ कुछ बाहर, अभी देखो भाई आवाज ठीक हुई क्या, लो हमेशा तो ऐसे ही रखते हैं यार रोज ही, आज भी ऐसे ही रखा है, देखना जरा आवाज आई है,
अभी अभी ठीक है, चेक चेक। अरे अहो हाँ, अभी तो मैंने भी क्लास में बोला ही ना, अपन ये दो सवाल कराएंगे, यही इशू का है आ रहा है। नाराज हो गया भाई, तुम लोग रिवाइज नहीं करके आए। हाय हाय, अब देखो जरा, अभी ठीक है। बहुत नॉइस आ रहा है, नाराज हो गया यार। सब लोग प्रे करो इससे, चलो मेरी तरफ। हाथों की आईआईटियंस ना बनने दिया जाए, देश की प्रगति के अंदर बहुत ही षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचा जा रहा है विदेशी ताकतों के द्वारा। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक नहीं हुआ है कि दो ही स्टूडियो अब तो आवाज भी चलेगी, पहले तो खड़खड़ तो आ रही थी मुझे। चेंज कर रहा है, देखिए
भाई साहब कल का हेडलाइन, बीजे सर की क्लास में माइक हुआ खराब, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ था। बीजे सर की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आइटन बनकर देश के विकास में योगदान करेंगे, जिससे कि विदेशी ताकतों को यह रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने बहुत ही षड्यंत्रकारी रचनात्मक रूप से माइक को खराब कर दिया ताकि बच्चे आइटन्स ना बन पाए। ब्रेकिंग न्यूज, कौन है वो विदेशी ताकतें, आइए जानेंगे हम ब्रेक के बाद। अभी आ रही आवाज भाई? आ रही है? चलिए अब देखो, इधर वापस से हम छोटा सा रिकैप लेते हैं। हमारा यहां तक क्लियर हो गया था सवाल कि CF3 यहां आया था, CF3 आया था तो ये जीरो हो गया था, तीन CF3 थे तो दो यहां आए थे, एक यहां आ गया तो ये जीरो नहीं हो पाया। ये जीरो नहीं हो पाया तो क्या हुआ? पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। अब मैं इसका एक और एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको, वो ये था कि अगर आप इसकी सिचुएशन को देखो तो आपको क्या समझ में आएगा बताओ। कि यहां पर जीरो था, यहां जीरो था, यहां 33 था, 33 था, 33 था, ठीक है? आया ना? अब दिमाग की बत्ती जलाएं, आया ना? यहां पर अगर आप देखो CF3 है तो तीन जगह F है, अगर ये तीनों जगह F आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर S करेक्टर कम आ रहा है। अगर यहां S करेक्टर कम आएगा तो यहां बढ़ जाएगा, यानी ये ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें S करेक्टर बहुत ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम क्या चाहेगा, इस ऑर्बिटल को कहां जोड़ना चाहेगा जहां S करेक्टर कम है, क्योंकि वो चाहता है कि बराबर हो जाए, कोशिश हो कि उसकी यहां पर S करेक्टर ज्यादा आ जाए, क्योंकि यहां तो जीरो ही है, यहां तो पहले से 33 33 33 था, अगर वो यहां जोड़ता तो जो ज्यादा है वो ज्यादा हो जाता, तो ये वीक, ये तो स्ट्रांग है और स्ट्रांग हो जाता, लेकिन ये वीक है तो वीक ही रह जाता, तो वो क्या चाहेगा, सेंट्रल एटम चाहेगा ना सब बराबर मजबूत हो जाए, इसलिए वो यहां जोड़ना पसंद करेगा, इसलिए उसने इसको कहा था। दूसरा एक्सप्लेनेशन है ये इसका कि ये यहां जुड़ेगा, ठीक है? अगला सवाल, कंपेयर एफ एस एफ एंगल, मैंने कहा था टोपी नहीं है, एंगल है भाई। ओ भैया ये टोपी नहीं है, ये एंगलवा है, इन एस एफ 4 एंड एस ओ एफ 4। अब आप बताओ फटाफट से, इसमें एस एफ 4 और ये आ गया यहां पे। अब मुझसे कहा है इक्विटोरियल वाला, तो आप समझ सकते हो इक्विटोरियल कौन सा होता था, ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है और ये इक्विटोरियल। तो हमसे क्लियरली उसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्लियर पूछा है कि इक्विटोरियल, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि इक्विटोरियल, दोबारा से बोलेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि इक्विटोरियल, संगम हम बताएंगे बेटा, है ना, प्लीज थोड़ी देर के बाद, है ना, इतना मत लिखा करो। ये इक्विटोरियल की बात कर रहा था, तो इक्विटोरियल यहां पर ले आइए, ये आपका एंगल है, ये एंगल। अब दिमाग की बत्ती जली, यहां लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो एस करेक्टर क्या होगा यहां पे, ज्यादा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो यहां भी ज्यादा। अब कंपेरिजन करेंगे तो यहां थोड़ा ज्यादा ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि लोन पेयर हैज स्लाइटली मोर एस करेक्टर, लोन पेयर हैज स्लाइटली मोर एस करेक्टर। तो अगर स्लाइटली मोर एस करेक्टर रख रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है, यहां पर कम हो जाएगा, यहां पे कम हो जाएगा इन दोनों में, आया ना, और इन दोनों की बात करें तो यहां पर भी कम हो जाएगा, लेकिन यहां ज्यादा कम होगा उससे, इसका मतलब ये एंगल ज्यादा कम होगा और यहां थोड़ा ज्यादा होगा, तो एंगल इसका ज्यादा आएगा, आया ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाव यार, SF4 वाला कई बच्चों ने लिख दिया, अमेजिंग यार, सीख गए इसका मतलब आप। एक और करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। कंपेयर PO बॉन्ड लेंथ इन P4O10 एंड P4O6। देखो ये आप मुझे बताएंगे, है ना, ये आपको बताना है PO बॉन्ड लेंथ।
अब पीओ बॉन्ड लेंथ में एक लॉजिक समझना। आप ये वाली बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है वो एक्स और ये वाली वाई, ये वाली तो पूछ नहीं सकता क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसमें तो है उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ पूछी और ये तीनों एक जैसी होती, चाहे ये लो 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 चाहे ये लो। अब ये एक्स और वाई में पूछा उसने, बताओ आप लगाए, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ सर क्या स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा? नहीं विशाल, बनाना पड़ता है और हम सीखेंगे इसको इलेवंथ में, हम ये इलेवंथ में सिखाते हैं हाउ टू मेक अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपको बना हुआ नहीं मिलेगा बट आपको जो जो मैं बना रहा हूँ वो याद करते जाना एटलीस्ट, क्योंकि यही सवाल आते हैं बार बार। ठीक है, तो आपके लिए एक बेनिफिट हो गया कि स्ट्रक्चर जितनी भी थी उनमें से कम ये ध्यान रख ली तो काम हो गया, बैकलॉग कवर हो गया आपका इलेवंथ का। अब दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर क्या है बोलो, डबल बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर होगा तो एस करेक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होती है, यहाँ पर एस करेक्टर क्या हो जाएगा कम, एस करेक्टर बहुत कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ जाएगी ना, तो वाई ज़्यादा हो जाएगा इसलिए वाई ज़्यादा होगा। हाँ या ना, ये गलत लिख दिया आपने, पी फोर ओ टेन नहीं होगा, पी फोर ओ सिक्स होगा। दोबारा देखो, ये डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, कंसेप्ट होता लोन पेयर में ज़्यादा एस करेक्टर होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ एस करेक्टर कम होती लेंथ बढ़ जाएगी, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी आएगी, इसकी, इसलिए वाई ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ है ना। अगला सवाल, कंपेयर एन एन बॉन्ड लेंथ इन एन टू एच फोर एंड एन टू एफ फोर। चलो बताओ, कंपेयर एन एन बॉन्ड लेंथ इन एन टू एच फोर एंड एन टू एफ फोर। चलो बताओ, क्या आएगा बताओ, अगर मैं इनको बना दूं ऐसे तो एन टू एच एच, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, ठीक है, और अगर एन टू एफ फोर बनाऊं तो एक ये और एक ये, सिचुएशन समझ में आ गई। अब दिमाग लगाते हैं यहां पर क्या हो रहा है, देखो लोन पेयर तो सेम है इसलिए लोन पेयर का इफेक्ट कंसिडर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये तो सेम है, आया ना। ठीक है, अगर यहां पर सेम आएंगे तो उसका मतलब क्या निकला, जल्दी बताओ, तो यहां पर आप देखेंगे तो एफ आ रहा है, अगर यहां एफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, यहां एस करेक्टर कम हो जाएगा, और यहां अगर कम हो गया तो यहां एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, एस करेक्टर ज्यादा होते ही बॉन्ड लेंथ क्या हो गई कम, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको एक्स बोल दूं इसको वाई बोल दूं तो एक्स और वाई में कंपेयर करेंगे तो एक्स ज्यादा हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब आंसर समझ में आया, किसकी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, एक्स की। भाई वैसे भी देखो ना, एफ है तो एस करेक्टर कम, बस सिंपल लॉजिक लगाया करो, एस करेक्टर यहां कम होते बीच में जब बढ़ जाएगा, अगर एस करेक्टर बीच में बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, हाँ या ना, सीधा फंडा है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, सीधा फंडा है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सेम सवाल दूंगा, अब गलती नहीं होनी चाहिए, प्रॉमिस करो। कंपेयर ओ ओ बॉन्ड लेंथ इन ओ टू एफ टू एंड एच टू ओ टू। कंपेयर ओ ओ बॉन्ड लेंथ इन ओ टू एफ टू एंड एच टू ओ टू। चलो बताओ, बहुत आसान है, ओ ओ लिख दिया, ये स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन, ये रहा, यहां देख के बताओ ओ ओ एच एच, यहां देखो बस। अब दिमाग लगा के बताओ, मेरे से पूछिए बॉन्ड लेंथ, उसने ये एक्स ये वाई, आपको ये एक्स और ये वाई बतानी है, चलो बोलो। समझ नहीं आया, उत्कर्ष तो समझो ना, एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूं मैं, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। हाँ, अब देखो यहां लोन पेयर तो फिर से कॉमन हो गए, तो इनका इफेक्ट नहीं सोचेंगे, हमें सोचना होगा तो हम किसका सोचेंगे, एफ का, एफ यहां जुड़ गया तो ये क्या हो गया, एस करेक्टर 25 से कम, ठीक है, यानी कि यहां एस करेक्टर क्या होगा,
ज्यादा, एस करेक्टर अगर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम। एस करेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी, यानी वाई की ज्यादा आएगी। किस किस का आ गया था वाई ज्यादा? देखो सीखना इंपॉर्टेंट है, क्या आप सीख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो मजा आ रहा है। ये सवाल जेई के हैं, सारे सवाल आपसे जेई में हो जाएंगे, एक भी सवाल है जो आपसे गलत नहीं हो पाएंगे। बड़ा मजा आएगा जब आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा और अपना ही टॉप रैंक आएगा। अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, क्या बोला जल्दी बताओ, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, आपको बताना है ये एफ, यहाँ ये लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, और ये ओ, ये एफ, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, बॉन्ड लेंथ पूछी है उसने, ये एक्स और ये वाई, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताओ, एक्स और वाई की बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ। चलो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। गर्दा मचा देंगे बिल्कुल एकदम ओम भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो इसको करेंगे कैसे, बहुत अच्छा सवाल है। ये बॉन्ड लेंथ एक्स है, ठीक है, इस बॉन्ड लेंथ के बगल में क्या जुड़ा हुआ है, ये ओ जुड़ा हुआ है, और इसके बगल में यहां से एफ जुड़ा हुआ है सराउंडिंग एटम। देखो इसका सराउंडिंग एटम कौन है, ओ, इसका सराउंडिंग एटम ओ, इसका एफ, तो ये एफ होगा तो एस करेक्टर क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा 25 से, आया ना, एस करेक्टर क्या हो जाएगा 25 से कम, और यहां एस करेक्टर क्या हो जाएगा फिर 25 से ज्यादा, तो अगर एस करेक्टर ज्यादा हो गया सोचो तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी अपने आप ही कम, इसका मतलब वाई की बॉन्ड लेंथ कम आएगी एक्स की ज्यादा। किस किस का आ गया था एक्स ज्यादा, वाई नहीं आएगा एक्स ज्यादा, देखो ध्यान से, ये वाला पूछा था, अगर ये एक्स पूछा है तो इसकी बात करेंगे तो इस सेंट्रल एटम के लिए ये सराउंडिंग एटम है, इस सेंट्रल एटम के लिए ये सराउंडिंग एटम है, ये सराउंडिंग एटम एस करेक्टर ज्यादा रख रहा है या सॉरी कम रख रहा है, तो यहां एस करेक्टर कम होते यहां बढ़ जा, बढ़ते ही क्या हुआ बॉन्ड लेंथ कम हो गई, आया ना। अब इस सवाल को देखो, लोन पेयर का क्या होता है, लोन पेयर इसलिए बराबर कर रहा हूं क्योंकि यहां भी दो लोन पेयर है, यहां भी दो लोन पेयर है, तो इफेक्ट तो बराबर ही होगा ना दोनों का अनुराग, लोन पेयर की वजह से जितना बढ़ेगा उतना घट जाएगा, तो वो तो बराबर ही घटेगा। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कंपेयर सी एफ बॉन्ड लेंथ इन, मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूं है ना, अब आपको खुद बताना है ये एक्स और ये वाई, मैं इसको बॉक्स बना देता हूं जो एक्स और वाई मैंने पूछ रहा हूं, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, चलो सोचो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है मेरे दोस्त, आपको बताना है। वाओ मयंक, जल्दी से बताओ फटाफट से, अब सोचो, देखो इधर कैसे करेंगे इस सवाल को। ट्राई करो जल्दी, चैट बॉक्स रुक गया भाई, सो गए क्या सब लोग। अब यहां अगर हम ध्यान दें तो यहां पर ये देखो, आप ध्यान से समझना, अब ये कांस्टेंट हो गया, सी और एफ जुड़ा हुआ है, ये भी सी एफ जुड़ा हुआ है, अब इस तरह के सवालों को करा कैसे जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एफ वाले बॉन्ड में ये दो एफ ऐसे हैं जो एस कैरेक्टर कम कर रहे हैं, मैंने दो एरो लेस के बना दिए, यहां एक ही ऐसा है जो एस कैरेक्टर कम कर रहा है, तो अगर मैं यहां बोलूं कि यहां क्या हो रहा है, एस करेक्टर डिक्रीज बाय 2F, टू फ्लोरीन, यहां अगर देखूं तो एस करेक्टर जो है वो डिक्रीज बाय 1 फ्लोरीन, तो अगर आप ध्यान से देखो कि एस करेक्टर डिक्रीज बाय 2 फ्लोरीन और यहां एस करेक्टर डिक्रीज बाय 1 फ्लोरीन, दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट, अब यहां इस करेक्टर 2 फ्लोरीन से घट रहा है, इसका मतलब यहां ज्यादा घट रहा है इस करेक्टर, अगर यहां इस करेक्टर ज्यादा घट रहा है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो वाई ज्यादा आएगा, एक्स नहीं वाई ज्यादा आएगा भाई, वाई 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 मैथ्स लगाओ ना, यहां वाले बॉन्ड में एस करेक्टर घट रहा है 1 फ्लोरीन से,
यहां वाले में एस्करेक्टर कट रहा है दो फ्लोरीन से, बोलो हाँ या ना, क्या बोला जल्दी बताओ। तो यहां वाले में एस्करेक्टर घट रहा है दो फ्लोरीन से, तो यहां एस्करेक्टर ज्यादा घट रहा है, यहां अगर ज्यादा घट रहा है तो क्या होगा, वाई ज्यादा आएगा, क्योंकि एस्करेक्टर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। यही सेम सवाल मैं एक और कराने वाला, अब आपको सही करना है यार, प्लीज 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 प्लीज। हाँ देखो, सेम क्वेश्चन की वेराइटी में दो दो सवाल आ रहे हैं, ये सी एफ कंपेयर सी एफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो बोल रहा है सी एफ फोर में, सी एच एफ थ्री में, सी एच टू एफ टू में, सी एच एफ थ्री में, ठीक है, आपको इनमें करके बताना है, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, वाओ जल्दी जल्दी जल्दी, यस 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 सर 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 सर, अगर ये सवाल कर दिया तो जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा पाएगा, आपसे एक मिनट में सारा सवाल बन जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी। अब इसको कैसे करते हैं फिर से बताता हूं, यहां चार फ्लोरीन है, ये कोई भी एक फ्लोरीन मान लो, मैंने एक्स मान लिया, इसको बॉक्स बनाया करो ऐसे जब सवाल पूछे तो, ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूं दूसरे कलर से ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये एच, दूसरे वाले को ऐसे बॉक्स बना दिया करो वाई, ठीक है, तीसरे वाले के लिए तीसरा कलर ले रहा हूं, टी एफ एफ एच एच, ये बॉक्स यहां पर आपका ये जेड मान लिया इसको, ठीक है, चौथा देखो, चौथे के लिए ये सी एफ, ये गड़बड़ हो गई, चौथे वाला गड़बड़ हो गई, चौथा वाला जो था उसमें एच एक ही है या तीन है बताओ, तीन है, एक एफ है, तो यहां पर आप देखो एक ही एफ है, एक एच एक एच एक एच, ये डब्ल्यू हो गया, ये आ गया यहां पर, अब बताओ क्या हुआ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये डब्ल्यू हो गया, आया ना, अब आप बताओ फटाफट फटाफट, दिमाग की बत्ती जलाओ, नहीं 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 गलत 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 गलत, मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे आईटीएन मेरे सीईओ मेरे करोड़पति, नहीं ऐसे नहीं करना था, लॉजिक दिया था मैंने, देखो यहां पर लिखो आप, ये जो एफ है इसमें तीन फ्लोरीन जुड़े हैं ना, तो आप क्या लिखोगे, एस करेक्टर डिक्रीज बाय तीन फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन जुड़े हैं तो तीन से कम होगा, यहां देख के बताओ, एस करेक्टर डिक्रीज बाय टू फ्लोरीन, यहां देख के बताओ, एस करेक्टर डिक्रीज बाय वन फ्लोरीन, यहां कोई डिक्रीज नहीं कर रहा है, खुद ही कर रहा है, आया ना, ये एस करेक्टर डिक्रीज बाय वन फ्लोरीन, खुद ही कर रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है यहां तो इसका मतलब यह या निकला यार कि सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें कम होगा, यहां सबसे ज्यादा एस करेक्टर कम होगा, यहां अगर यहां इस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी इसकी, तो यहां क्या आएगा एक्स ज्यादा, फिर वाई, फिर जेड, फिर डब्ल्यू, आया ना, तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे दोस्त, ये आपका सवाल आना चाहिए, अगर ये सवाल आ गया ना तो आप बेंड्स रूल सीख गए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कई बच्चों का आ गया, ओ माई गॉड अमेजिंग, ये सवाल आना मतलब आप बेंड्स रूल सीख चुके हैं, ये सवाल आपको आना चाहिए दोस्तों, क्या बोला जल्दी बताओ, ये सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है, एक सवाल मेरी तरफ से और है, अच्छा सवाल है, मल्टीपल है, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये जेई एडवांस का है, क्या बोला उसने बताओ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, मल्टीपल भी हो सकता है, अबाउट ठीक है, अबाउट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी चेंज कर इज सी एल थ्री एफ टू, पहला
सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, आपको करो। ये पी सी एल है। आपको ये सवाल करना है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी करो। सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, आपको करना है जी, जल्दी। हाँ रज्जाक, जल्दी बताओ बेटा। अब देखो इसका जो आंसर है ना वो क्या है, एक्सियल पीएफ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, नहीं इक्विटोरियल वाली ज्यादा है, इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ और इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ में एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ ज्यादा, ये आंसर आएगा इसका। अब ये आंसर क्यों आया उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक मिनट के लिए मैं होल्ड करता हूं, इसमें एक नई चीज आपको बतानी पड़ेगी समझाने के लिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है बेरी स्यूडो रोटेशन, बेरी स्यूडो रोटेशन। अब बेरी स्यूडो रोटेशन क्या होता था ये समझना आप, बेरी एक साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ ठीक है ना देवांगना, ध्यान से सुनना बेटा, मैं समझाऊंगा ना इसीलिए तो। अब यहां पर क्या हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे बेरी, बेरी जो थे, ध्यान सुनना भाई ध्यान सुनना, ओ ओ ओ, ओ ध्यान दो इधर तो। बेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मॉलिक्यूल था उसकी स्टडी करी पीएफ फाइव की, किसकी पीएफ फाइव। अब उन्होंने क्या बताया कि पीएफ फाइव में एक रोटेशन होता है जिसकी वजह से उसकी सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है, दोबारा से सुनना मैं समझा रहा हूं ना करती, पीएफ फाइव में उन्होंने कहा कि रोटेशन होता है जिसकी वजह से पीएफ फाइव की बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो पंखे को घूमते हुए, अगर आप पंखे को घूमते हैं देखते देखेंगे तो आपको लगेगा सारी पंखुड़ियां जो है वो घूम रही हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, पूरी घूम रही आया ना, पूरी पंखुड़ियां घूम रही है। तो इसका मतलब क्या निकला, आपको पता नहीं चल रहा क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब घूम रही है, तो आपको ना तो नंबर पता लग रहा है ना उनकी लेंथ पता लग रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई पंखुड़ी छोटी है कि बड़ी है या नहीं है। तो ऐसे ही बेरी ने जब पीएफ फाइव को देखा तो पीएफ फाइव में रोटेशन हो रहा था, रोटेशन होने की वजह से क्या हुआ उसको लगा सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या पता चला यार पीएफ फाइव में बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है, बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है, उसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू आई 1.58 एंगस्ट्रॉम और इसकी आई 1.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो क्या पता लग रहा है कि पी एफ एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है किससे, पी एफ इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से, क्लियर है। तो इसका मतलब पी एफ फाइव में रोटेशन जो है उससे सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है ये जरूरी नहीं, अलग अलग है। और ये टीबीपी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका नाम क्या होता है, ट्राई गोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर ये बॉन्ड लेंथ एक्सियल है ये ज्यादा रहेगी, और ये वाली जो है इक्विटोरियल वो कम रहेगी, और इसमें जो रोटेशन है उसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है, और वो जो रोटेशन है वो स्यूडो है, बेरी स्यूडो रोटेशन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथ्स की बात करें अगर अपन ध्यान से, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.58 और इसकी 1.53, डिफरेंस निकाला तो 1.505 के आसपास आया, ठीक है। यानी कि अगर आप जो एक्सीएल बार बार मन में बोल रहे हो ना एक्सीएल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो कितनी सी ज्यादा है, यहां से देखो आप 0.05 और यहां कितनी है बोलो, इससे कितनी ज्यादा है, ये सिर्फ 0.05। तो आपके दिमाग में एक तो ये एक्सेप्ट एक दिमाग से निकला कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती तो क्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसा तो नहीं है, आया ना, क्लियर है, आया ना, अरे बोलो भाई, फील देनी है, फील देनी है, सुनना पड़ेगा पहले मेरी बात को,
तो यहां पर ये क्लियर होगा कि बेरी स्यूडो रोटेशन होता है PF5 में, ठीक है, PCL5 में नहीं होगा, क्योंकि PCL5 में साइज बड़ा है इसलिए वो रोटेट ही नहीं कर पाते। तो अगर बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो रोटेट नहीं होंगे, रोटेट इसलिए नहीं होंगे कि बड़े मॉलिक्यूल टकरा जाएंगे अगर वो रोटेशन करेंगे तो। क्या वाला जल्दी बताओ, बड़े मॉलिक्यूल टकरा जाएंगे अगर वो रोटेट करेंगे तो। क्या वाला जल्दी बताओ, बड़े मॉलिक्यूल टकरा जाएंगे रोटेट करेंगे तो इसलिए PCL5 में बेरी स्यूडो रोटेशन नहीं होगा। बेरी स्यूडो रोटेशन किसमें होगा, PF5 में। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या PF5 में सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है क्या? नहीं, सारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है कि अलग अलग है, ठीक है। आखिर फिर ये स्यूडो रोटेशन हुआ क्यों, क्यों उससे लगा बेरी को कि बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है? तो देखो, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन जो होती है वो आपके तीन तरह से की जाती है। पहला NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा जो की जाती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद वो की जाती है एक्स-रे डिफ्रेक्शन मेथड। तीसरा जो की जाती है वो की जाती है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड। ये तीन मेथड होते हैं, इसमें से ये जो है सबसे पुराना मेथड है बॉन्ड लेंथ को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। इस मेथड की खास बात क्या होती है, इस मेथड की खास बात ये होती है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को जो घूम रहा है तो एवरेज पिक्चर लेता था। एवरेज पिक्चर अगर लेगा तो सोचो क्या हुआ, एवरेज पिक्चर अगर लेगा तो सोचो क्या हुआ कि एवरेज पिक्चर में तो ऐसा लगेगा कि बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। तो जो हमारा बेरी था उसने इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का इस्तेमाल किया उसने, किसका इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक। और यह किसी भी मॉलिक्यूल का एवरेज पिक्चर लेती है, ये किसी भी मॉलिक्यूल का एवरेज पिक्चर लेती है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा आइडेंटिकल है। लेकिन बाद में दूसरी टेक्निक आई, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन लेटेस्ट मेथड है, ये इंस्टेंट टाइम पर किसी भी मॉलिक्यूल का पिक्चर लेती है। दोबारा से बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन क्या करती है, इंस्टेंट टाइम पर किसी भी मॉलिक्यूल का पिक्चर लेती है। तो इसने जब PF5 का इंस्टेंट टाइम पर पिक्चर लिया तो पता लगा कि तो लेंथ ज्यादा है और ये भी लेंथ ज्यादा है, एक्सियल वाली लेंथ जो है वो ज्यादा है और उसकी कम है। तो उसने बोला कि भैया PF5 के अंदर आइडेंटिकल नहीं है। तो अब समझ में आया बेरी को ऐसा क्यों लगा कि, जल्दी बताओ क्यों लगा कि बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, क्योंकि उसने किस टेक्निक से किया था, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या क्या था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मॉलिक्यूल का कौन सा पिक्चर लेती है, एवरेज पिक्चर। एवरेज पिक्चर लेने की वजह से उसको क्या लगा कि सबकी बॉन्ड लेंथ क्या है, आइडेंटिकल। बाद में कौन आया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन ने क्या कहा कि बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है। बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल क्यों नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट टाइम का पिक्चर लिया उसने, इंस्टेंट टाइम पर पता लगा कि यार ये तो ज्यादा है, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां तक की बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्लियर होने के बाद हमें यह समझ में आना चाहिए कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसे देखते हैं। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो दो हिस्सों से दिखाई जाती है। पहला देखो, मॉलिक्यूल कैसे बनता है इसको समझना पड़ेगा, मॉलिक्यूल कैसे बनता है इसको समझना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ हमेशा डिसाइड होती है साइज ऑफ एटम। अगर मान लो एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बताओ कौन सा एटम बड़ा है, बोलो कौन सा एटम बड़ा है, सोचो। तो नो डाउट थर्ड पीरियड का एलिमेंट बड़ा है, जो एटम बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, खत्म, टाटा बाय बाय, निपटा दिया। क्या बोला, जो एटम बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि एटम ही बड़ा है तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये जो एस कैरेक्टर देखते हैं या कोई और फैक्टर देखते हैं वो कब देखते हैं, जब एटम सेम होते हैं। एस कैरेक्टर कब देखेंगे, जब एटम सेम हो। अगर एटम ही सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का हो तो जहां थर्ड पीरियड जुड़ा है बस वही ज्यादा होगा, चाहे वो पोजीशन एक्सियल हो चाहे वो इक्विटोरियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। वो एस कैरेक्टर का फर्क तो कब आएगा, जब सारे एटम बराबर हो।
अब मुझे बताओ कि अगर साइज ऑफ एटम से देखते सिंपल फंडा है और उसमें इंक्लूड होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ मतलब क्या होता है बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ, ठीक है बेटा सोलंकी, एक्सरे डिफ्रेक्शन एक मेथड है जिसे बॉन्ड लेंथ डिसाइड की जाती है, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं तीन सवाल वापस दूंगा आपको, जब मैं यहां पीएफ 5 लिखता हूं तो मुझसे पूछा उसने कि एक्स और वाई में कौन ज्यादा, आप बताओ सारे एटम सेम है क्या, ये वाला तो सेम कॉन्स्टेंट हो गया, ये वाली तो वैल्यू सेम हो गई, तो आंसर इससे जाएगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ कहां ज्यादा होगी, एक्सियल पर, क्यों होगी, क्योंकि यहां एस कैरेक्टर जीरो होगा, एस कैरेक्टर जीरो होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, एस कैरेक्टर अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो अगर यहां बॉन्ड लेंथ पूछूं तो एक्स और वाई में कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स। अब अगर मैं पीसीएल 5 में पूछूं तो वापस देखो सारे एटम सेम है क्या, हाँ, तो ये एक्स और वाई हो गया, तो अब एक्स और वाई सारे एटम सेम है तो साइज ऑफ एटम कॉन्स्टेंट हो गया, साइज ऑफ एटम तो कॉन्स्टेंट हो गया, आइडिश किससे जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ किसकी ज्यादा होगी, एक्सीएल की, क्यों होगी, क्योंकि एस कैरेक्टर कम है, एस कैरेक्टर जीरो है, एस कैरेक्टर कम होते ही तो लेंथ बढ़ जाती है हल्की सी, ठीक है। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा कौन रहेगा, साइज ऑफ एटम। तो जब मैंने तीसरा सवाल दिया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, और उसमें जब मैंने बात की थी तो मैंने यहां पर एफ लगा दिया था, यहां मैंने एफ लगा दिया था, ठीक है, यहां आपका जो है वो सीएल आ गया था, यहां सीएल आ गया था, यहां सीएल आ गया था। अब जब मैंने ये कहा कि x और y, तो मुझे ये बताओ x और y में क्या होगा, जल्दी बताओ, अब x और y में कौन ज्यादा, तो मैंने देखा यार यहां पर तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है और यहां तो थर्ड पीरियड का है, बस टाटा बाय बाय, साइज ऑफ एटम ज्यादा है तो बस टाटा बाय बाय, निपट गया, कुछ नहीं करना, कौन ज्यादा होगा बताओ, बब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन ज्यादा, कौन ज्यादा, अरे कौन बे, जल्दी बोलो, एक्स क्यों होगा, एक्स नहीं होगा, एफ है यहां पे, एफ मतलब सेकंड पीरियड है, सीएल मतलब थर्ड पीरियड, तो ये वाई ज्यादा हो जाएगा, अब यहां तो एक्स ज्यादा ही आएगा, वहां पर वाई ज्यादा हो जाएगा, वहां पर वाई ज्यादा हो जाएगा, आया ना, वाई ज्यादा, क्लियर। तो अब मेरे को क्लियरिटी समझ में आई कि भाई जो हम एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में एक्सियल बॉन्ड लेंथ नहीं है, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ है, जो हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि वहां एस कैरेक्टर जीरो होता है, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ मतलब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ ज्यादा है जिसमें एस कैरेक्टर जीरो हुआ है, बस फील लो अंदर से, फील आनी चाहिए, वो एस कैरेक्टर जीरो है इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ ज्यादा है। अब यहां देख के बताओ, इस सवाल को करते हैं वापस, अब सवाल को करो, क्या लिखा था उसने, एक्सीएल पी एफ बॉन्ड लेंथ, और यहां पीसीएल लिखा हुआ है, भाई साहब सीएल लिखा हुआ है तो सीएल थर्ड पीरियड का हो गया, थर्ड पीरियड का होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही आएगी, चाहे कुछ भी कर लो, ज्यादा ही आएगी, कुछ भी कर लो, इसकी तो ज्यादा ही आएगी, आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं थियोलिन, अभी तो बताया एस कैरेक्टर ज्यादा होता है एक्सीएल पे, सारे एटम अगर बराबर हैं थियोलिन तो फिर सारे एटम बराबर होने पर किससे देखते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल एस कैरेक्टर कम है इसलिए कहां पर ज्यादा है, एक्सीएल पर, कहां पर ज्यादा है, एक्सीएल पर। अब यहां देखो एक्सीएल, अब यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ लिख दिया उसने, क्या लिख दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, यहां लिख दिया उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, किससे, इक्विटोरियल हाइब्रिड, तो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ अगर ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगी चाहे कोई भी एटम आ जाए, क्योंकि अब पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो वो एक्सीएल पे हमेशा कम ही होगा, क्योंकि एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ ज्यादा ही होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, ये लो वहां तो लिखा हुआ आएगा ना, ठीक है, क्लियर दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पवन
ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब एक और इसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूं, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। अब की बार उसने पूछा है बॉन्ड एंगल एक्स और वाई। चलो बताओ इनमें बॉन्ड एंगल एक्स और वाई के अंदर बताओ फटाफट से क्या होगा। बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। अब इसका आंसर बड़ा मजेदार है, पता है, नॉर्मल ट्रेंड से अगर आप करोगे ना तो आपको लगेगा यार कि वाई जो है वो आपका कम आना चाहिए क्योंकि एस कैरेक्टर है। ये वाला एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, तभी आपसे समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है वरना नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो वाई है। क्यों है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पता है क्या होता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है ये मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपको हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए ये। ये आपको दिख रहा है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है O2F2 की, आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर ये भी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने बता दिया, ये याद कर लेना घर जाके। अब इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। अब डबल बॉन्ड आने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इसको धक्का देता है, डबल बॉन्ड आने की वजह से जैसे ही धक्का देगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड आने की वजह से धक्का पड़ेगा और धक्का पड़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा, धक्का पड़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां पर ये इसकी ज्यादा होती है, हाँ ना, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है वाई ज्यादा होती है, एक्स ज्यादा नहीं होगी, यही तो समझा रहा हूं। इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो ये सवाल गलत हो जाता, ठीक है, जी एडवांस पूछेगा तो गलत नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो, आया ना, बोलो। नहीं, यहां इसका स्ट्रक्चर डबल बॉन्डेड है, स्ट्रक्चर डबल बॉन्डेड है, हाँ, पर स्ट्रक्चर डबल बॉन्डेड है, ये अब आपको याद हो गया, स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड रखता है, इसकी वजह से डबल बॉन्ड रिपल्शन आता है, डबल बॉन्ड रिपल्शन आने की वजह से एंगल बढ़ जाता है, समझ रहे हो, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह से, वेरी गुड वंश, यू आर सो इंटेलिजेंट, अमेजिंग, हाँ अनिकेत, थैंक यू। ये दो सवाल हो गए, अब इसी तरह से एक और सवाल आएगा इंपॉर्टेंट, ये देखो आप, ये आपका एंगल है एक्स, ये आपका एफ दे दिया इसने यहां पर, ये एंगल है वाई, आपको बताना है बॉन्ड एंगल इसमें एक्स और वाई कौन ज्यादा होगा, फटाफट बताओ जल्दी। प्रियांशु सिंपल सा है बेटा, डबल बॉन्ड आया था, डबल बॉन्ड आने की वजह से डबल बॉन्ड रिपल्शन लगा जिससे एंगल बढ़ गया, है ना, सीक्रेट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पायल, आपको याद होनी चाहिए सीक्रेट स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड रिपल्शन आया, डबल बॉन्ड रिपल्शन से एंगल बढ़ गया प्रियांशु, हाँ। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो एफ आ गया, एफ आने से एस करेक्टर क्या हो गया, यहाँ कम, एस करेक्टर कम होते ही क्या हुआ, बॉन्ड एंगल भी कम, किसका ज्यादा होगा, एक्स का, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब मैं सवाल को चेंज कर देता हूं और मैं आपको यहां पर ये एच ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं बॉन्ड एंगल के सवाल में ये वाला सवाल गलत कर देते हैं, और यहां एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करेंगे अभी हम, देखो एक्स और वाई बॉन्ड एंगल पूछ रहा है वो, यहां पे बॉन्ड एंगल पूछ रहा है एक्स और वाई, बताओ क्या पूछ रहा है, जल्दी बताओ, बॉन्ड एंगल एक्स और वाई। अब देखो यहां पर मजेदार चीज ये है कि ऊपर तो एक्स ज्यादा आ रहा है, ठीक है, दूसरा ये सवाल जो है उसमें वाई ज्यादा आएगा। अब ये वाई ज्यादा क्यों आया ये हमें समझना था, वाई ज्यादा आने का रीजन समझना आप क्या है, देखो यहां पर रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन यहां पर एक तो आएगा स्टेरिक रिपल्शन और दूसरा आएगा बैक बॉन्डिंग। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल वहां पर भी आएगा जब हम बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्या बोला जल्दी बताओ, ये एग्जाम्पल फिर से आएगा मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति,
ये फिर से आएगा, यहाँ एंगल क्यों ज़्यादा है पता? ये एंगल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ स्टेरिक रिपल्शन आ रहा है, और स्टेरिक रिपल्शन के अलावा दूसरा एक रीज़न है बैक बॉन्डिंग। अभी कोई नहीं पूछेगा बैक बॉन्डिंग क्या होती है, ये पूरा टॉपिक आएगा एक, उसमें वापस ये मॉलिक्यूल सिखाऊंगा। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेरिक रिपल्शन आएगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेरिक रिपल्शन हम कब लगाएं? बात में दम है, बात तो सही है, बात तो सही है, तो उसका एक रीजन है कंडीशन ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। देखना जरा, पहला कंडीशन ऑफ स्टेरिक रिपल्शन में फर्स्ट आएगा, ध्यान सुनना, कंडीशन ऑफ स्टेरिक में फर्स्ट आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी sp3। दूसरा, ठीक है, हाँ, सराउंडिंग एटम शुड बी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ये होने चाहिए, और सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सेंट्रल एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड। अगर ऐसा है तो स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक रिपल्शन आएगा, जिससे एंगल बढ़ जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, समझ में आ रहा तुझे? जल्दी बोलो, आप मुझे बता सकते हो आपकी क्या इसमें स्टेरिक रिपल्शन लगेगा? तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाँ, मैंने देखा सेकंड पीरियड है, हाँ, मैंने देखा थर्ड पीरियड है, हाँ, थर्ड पीरियड आएगा स्टेरिक रिपल्शन आएगा, हाँ, स्टेरिक रिपल्शन आएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। जल्दी बोलो, क्लियर दोस्तों, क्लियर? वाट इज स्टेरिक, यही होता है स्टेरिक, मतलब धक्का देना, ऐसे थे ना, ये CLCL आगे थोड़ा धक्का दिया तो एंगल बढ़ गया। क्लियर मेरे दोस्त? अब मैं एक सवाल पूछूंगा अब आपसे, देखो, अब मैं आप सवाल बताने पड़ेंगे अब आपको, हाँ, अब आपको सवाल बताना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब सवाल क्या आएगा देखना जरा, उसने क्वेश्चन दिया ये, ये एक्स वाई और जेड, ये बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है आपको, एक्स वाई और जेड। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आपको सोचना है, जल्दी बताओ। सीएल का साइज बड़ा है, वेरी गुड, ठीक है जी। सराउंडिंग एटम बोला मैंने, सराउंडिंग एटम अनिकेत, सराउंडिंग एटम क्या बोला मैंने, थर्ड पीरियड के हों, फोर्थ पीरियड के हों, फिफ्थ पीरियड के हों, तो स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगी। सोचो ना, अगर थर्ड पीरियड पे स्टेरिक क्राउडिंग है तो हो जाए। एस ए मतलब इशिता होता है सराउंडिंग एटम, ये याद कर लो, ये सब चीजें ऐसे बार बार थोड़ी पूछते हैं। सी ए का मतलब सेंट्रल एटम, एस ए का मतलब सराउंडिंग एटम, नोट करो। वैशाली सेकंड पीरियड मतलब ये, एस ए का मतलब सराउंडिंग एटम और ये इसका सेंट्रल एटम। ये शॉर्ट टर्म्स तो आपको मतलब याद होनी चाहिए, शुड बी ऑफ थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये क्या मतलब था, अरे शुड बी थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, अब तो समझ गए। और एस ए का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग एटम, ये एस ए का मतलब क्या है, सराउंडिंग एटम। क्लियर मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति? चल अब बता आंसर फटाफट, कहाँ गया वो सवाल, मिले अब तुम्हें चक्कर हूँ, सवाल पता नहीं कहाँ गए हो, उड़ गया लल्ला, यही होते जब तुम इधर उधर ले जाते हो। आ गया, आ गया, चलो बताओ। अब मेरी बात सुनना, सबसे ज्यादा x फिर y फिर z,
पर मेरा एक सवाल है, यहाँ तो सेकंड पीरियड है, हाँ यहाँ सीएल है, हाँ तो स्टेरिक रिपल्शन आना चाहिए ना, वाई ज्यादा होना चाहिए था ना, पर यहाँ वाई ज्यादा नहीं आएगा। सबने यही गलती करी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ एसपी टू है, ये अगर एसपी टू है तो यहाँ स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा, यहां अगर एसपी टू है तो स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा, यहां पर सिंपल बेंड रूल से हो जाएगा। ठीक है, यहां एस करेक्टर सबसे ज्यादा कम हो गया तो एंगल कम हो गया, यहां और थोड़ा कम हो गया, और यहां बिल्कुल भी नहीं है तो यहां सबसे ज्यादा आ गया, ये बेंड रूल से आएगा। वाई ज्यादा नहीं है आयुष, क्यों नहीं है दोबारा बताओ? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगेगा, ये सब एसपी टू है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगेगा, सब एसपी टू है, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगेगा, सब एसपी टू है, बोलो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगेगा, बोलो, क्योंकि सब एसपी टू है। चलिए दोस्तों एक सवाल और देके देखते हैं क्या हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, बॉन्ड एंगल आपसे पूछा है एक्स और वाई, बोलो। उल्टा लिख दिया मैंने, कहाँ लिख दिया, सही तो है लक्ष, हाँ वेरी गुड, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या लिख दिया, अरे एंगल एक्स ज्यादा होगा ना, सही तो है, फिर वाई होगा फिर जेड होगा, क्योंकि यहां एंगल सबसे कम होगा, ये एस करेक्टर सबसे कम है ना, यहां पर एफ जुड़ गया तो, एस करेक्टर जुड़ गया तो, एंगल एंगल पूछा है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ नहीं पूछी है, ओ भैया ओ लल्ला मचा दे हल्ला, बॉन्ड एंगल पूछा है, एंगल एंगल पूछा है, जल्दी बोल, ये अच्छा सवाल, तो अब जल्दी बताओ एक्स और वाई में, ये ज्यादा हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि आपसे पूछा उसने, ध्यान देना इधर, आपसे पूछा उसने ये यार, ये और ये यहां पर एस करेक्टर कम हो रहा है, इसकी वजह से यहां एस करेक्टर कम हो रहा है 25 से, तो यहां और यहां थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए एंगल इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर तो कोई बढ़ाने वाला है ही नहीं, लेकिन ये सवाल एक और इसी तरह का आएगा, तब आएगा मजा, अब आएगा मजा बिडू। यहां पर भी एंगल वही पूछ रहा है, ये एक्स, अरे यार ये क्या करा मैंने, सीएल सीएल कर देते हैं और ये तीन सीएल कर देते हैं, अब बताना है मजेदार चीज, ये तीन सीएल हो गए, ये दो सीएल हो गए, एक्स ये वाई हो गया, अब बताओ बेटा इसके अंदर मजा आ गया, जस्ट बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल, एकदम मस्त वाला है रे बाबा, जल्दी बोलो। एक्स और वाई समझ में आ गया ना, अब कौन है, यस अब बताओ। अब बताओ जल्दी 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 जल्दी, ये ज्यादा होगा वाई, अब ये वाई क्यों ज्यादा होगा ये सोचो, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे हम, तो क्या आएगा एसपी थ्री, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ,
sp3, अगर ये हाइब्रिडेशन sp3 आ गया, जल्दी बोलो, अगर ये हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये दो सीएल थर्ड पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के तो स्टेरिक रिपल्शन आएगा, स्टेरिक रिपल्शन आएगा तो वाई ज्यादा हो गया। यहां देखोगे तो तीन सीएल हैं, ये दोनों रिपल करेंगे लेकिन ये तीसरा भी इनको रिपल करेगा, ये तीन ऐसे हैं रिपल करेंगे तो एंगल उतना नहीं बढ़ेगा जितना दो में आराम से बढ़ रहा है। मैथ्स लगाओ, देखो दो आपस में रिपल कर रहे हैं तो एंगल एकदम से बढ़ जाएगा, यहां ये बढ़ेगा लेकिन इसको धक्का पड़ेगा। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर दोस्तों? ये आपका जो है वो बेंट रूल की बात हमने खत्म करी। क्लियर दोस्तों? हाँ या ना? अब मैं एक डीपीपी अपलोड करवा दूंगा बेंट रूल की, वो आप सॉल्व करके लाना ईमानदारी से, कर लेंगे, बोलो हाँ या ना? ठीक है जी जी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगला अब आएगा ड्रेगोज रूल। अब ड्रेगोज रूल क्या कहता है वो समझना। सबसे पहले मेरा एक सवाल था छोटा सा आपसे, अगर मैं पूछूं कि यार PH3 का हाइब्रिडेशन बताओ, तो आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि PH3 ऐसा है, देखो इसमें तीन सिग्मा और एक लोन पेयर है, हाँ ना, तीन सिग्मा है और एक लोन पेयर है, जल्दी बोलो, हाँ ना? तो आपके हिसाब से इसका हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए, फटाफट से बताओ। बोलो जल्दी 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 फटाफट से। यस सर, आपके हिसाब से इसका हाइब्रिडेशन sp3 आना चाहिए, sp3 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है, यही सबसे मजेदार बात है, ये sp3 नहीं होता। अब ये तो लफड़ा हो गया, क्लोरीन स्टेरिक रिपल्शन नहीं करेगा क्योंकि सेकंड पीरियड का है ना रूल, अभी बताया था स्टेरिक रिपल्शन का, सेकंड पीरियड सेंट्रल एटम होना चाहिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड सराउंडिंग एटम होना चाहिए, तो इसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ऐसे तो ये नया नई चीज हो गई, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडेशन है कि नहीं है, क्या वाला जल्दी बताओ, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बोलो जल्दी, क्या वाला जल्दी बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। यस सर, हमें कैसे पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्लियर? यहां अगर हम बात करते हैं फटाफट से, तो ड्रेगो ने एक बात कही कि देखो, उसने कहा कि यार व्हेन मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो दिस इन पीरियडिक टेबल, देन लोन पेयर प्रेजेंट इन स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर ऑर्बिटल प्योर पी ऑर्बिटल सो In this condition, there is no hybridization. In this condition, there is no hybridization and bond angle near about 90. But इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन इक्वल टू 2.5। ये स्टेटमेंट दिया ड्रेगो ने, क्या दिया बताओ यार, ये प्लीज शॉर्ट फॉर्म को याद रख लो यार,
ये ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एस ए का मतलब सराउंडिंग एटम अभी बोला था, बी ए मतलब बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब फटाफट से करो क्या आ रहा है कि सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू, क्या बोला उसने बताओ, सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो दिस इन पीरियडिक टेबल, यानी कि थर्ड पीरियड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, सिक्स का हो। ठीक है, देन ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट इन स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल। तब उसने क्या कहा कि बॉन्ड लोन पेयर जो होगा वो प्रेजेंट होगा स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में, एंड बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, जो बॉन्ड होगा वो टेक प्लेस होगा थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल, बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल, बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू बोलो प्योर पी ऑर्बिटल। इन दिस कंडीशन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90। उसने क्या कहा, इन दिस कंडीशन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90। बॉन्ड एंगल क्या हो गया बताओ, नियर अबाउट 90। ठीक है, बट एक कंडीशन बोली उसने कि सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस देन इक्वल टू 2.5 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2.5। ऐसा क्यों कहा उसने, उसकी स्टडी करते हैं। अब उसने क्या समझाया देखो, उसने कहा यार ये PS3 है, क्या कहा, PS3 का सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। उसने उसकी स्टडी करी, उसने कहा 3H2 3P3 आएगा, और ये 3H2 3P3 आएगा तो ये एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, और ये आपका जो है वो लोन पेयर आया ना। क्लियर सबको, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो 3s है, ये 3s है जिसमें लोन पेयर है, और ये 3p ऑर्बिटल है जिसमें ये है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ध्यान से तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। ठीक, अब उसने क्या कहा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये दोनों मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में याद है लेस एनर्जी डिफरेंस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। तो उसने स्टडी करी कि यार ये अगर हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो ये मिक्स होंगे, और अगर ये मिक्स होंगे तो 600 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। ये अगर मिक्स होंगे तो, जल्दी बोलो, ये अगर मिक्स होंगे तो कितनी चाहिए, 600 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। आया ना शुभ मणि, अभी आएगा समझ, पूरा डिटेल में समझाएंगे तब आएगा, है ना। 600 किलो जूल की एनर्जी चाहिए तब ये मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद जब ये बॉन्ड बना रहे थे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 PH बॉन्ड बनेंगे, 3 PH बॉन्ड बनेंगे, और ये 3 PH बॉन्ड जो होंगे वो एनर्जी कम रखेंगे, किससे, 600 से। उनसे स्टडी करी, अब आप मेरे को बताओ यार 600 किलो जूल एनर्जी देके सिस्टम क्या कर रहा है, मिक्स हो रहा है, और मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड जो बने उनमें से एनर्जी जो रिलीज होगी उससे स्टेबिलिटी आती है, लेकिन रिलीज्ड एनर्जी जो थी इन तीनों बॉन्ड्स की वो 600 से कम निकली। ये एनालिसिस, ये स्टडी, एक्सपेरिमेंट ड्रेगो ने किया। उसने कहा कि जब ये एनर्जी कम निकल रही है तो सोच के देखो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, क्या यह हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, क्या बोला जल्दी बताओ, क्या यह हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, क्या बोलो, तो क्या बोलोगे आप, नहीं यह हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। दोबारा बोलो, क्या यह हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, नहीं यह हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है ना रिलीज्ड एनर्जी वो आपके कम है ये वाली, और रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है। तो जब भी सिस्टम में एनर्जी रिक्वायर्ड होने लगती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सिस्टम में एनर्जी रिक्वायर्ड होने लगती है तो वो स्टेबल नहीं होता। तो अब सोचो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा तो जो लोन पेयर है वो कहाँ है, वो 3s में है। न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा एस पे लगेगा, नहीं लगेगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 3s पे लगेगा, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, सोचो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करके रखेगा इसको, ये अगर अट्रैक्ट करके रखेगा अपने आप, सोचो तो क्या ये घूम पाएगा ऐसे, ये अगर अट्रैक्ट करके रखेगा तो क्या ये घूम पाएगा ऐसे, नहीं। और अगर ये घूम नहीं पाएगा तो किसको, इस तरह के मॉलिक्यूल को, इस तरह के लोन पेयर को कहते हैं जो घूम नहीं पा रहा, उसे स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिकली
इनएक्टिव, क्योंकि वो घूम नहीं पा रहा, लोन पेयर। अब बॉन्ड हमेशा किससे बनता है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप बताओ बॉन्ड किससे बन रहा है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो? अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3p ऑर्बिटल में, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3p में। तीनों p ऑर्बिटल अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। बोलो, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, तो जब बॉन्ड बनेगा p ऑर्बिटल से तो किस पे बनेगा? 90 डिग्री के एंगल पे, तो हाइब्रिडेशन के सॉरी तो 90 डिग्री के एंगल पे बनेगा, तो एंगल आपस में कितना आएगा? 90 डिग्री। एंगल आपस में कितना आएगा? 90 डिग्री के आसपास। एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री के आसपास। और वो जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है? पी ऑर्बिटल से, ठीक है। लेकिन आपसे एक और लाइन बोली उसने कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होनी चाहिए। क्यों? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, सपोज फ्लोरीन जैसा कोई आ गया, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां सेंट्रल एटम पर क्या आएगा? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर आएगा तो इसकी पावर बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? खींचने की। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको खींचने की पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और अगर उसकी खींचने की पावर बढ़ गई, सोचो, अगर उसकी खींचने की पावर बढ़ गई तो वो जो गैप है वो कम हो जाएगा, और कम होते ही गैप तो क्या होगा? हाइब्रिडेशन में जाना चाहेगा। हाइब्रिडेशन में जाते ही क्या होगा? हाइब्रिडेशन हो जाएगा। आया ना? बोलो, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे लेकिन 90 कैसे? बेटा पी ऑर्बिटल जो है तीनों आपस में एक दूसरे से 90 पर होते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों एक्स वाई जेड जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे ही तो होते हैं। दिव्यांशु, तो एक्स वाई जेड है दिव्यांशु, एक्स वाई जेड, आप सोच सकते हो एक्स वाई जेड है तो 90 डिग्री पे होंगे ना। ये पी एक्स होगा, ये पी वाई होगा, पी जेड होगा, और इसी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा तो आपस में क्या आएगा? वो बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? 90 के आसपास एंगल आएगा, ठीक है। अब हम इनको दोबारा समझते हैं आराम से, रिलैक्स होके, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल आया कि PH3 में हाइब्रिडेशन होता है कि नहीं होता। स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं, दोबारा से ध्यान सुनना। PH3 के पूछा हाइब्रिडेशन होता है कि नहीं होता, तो अगर हम नॉर्मली सोचते तो हमें क्या लगता? तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर है, sp3 होना चाहिए। लेकिन हमने कहा नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला हमने? नो हाइब्रिडाइजेशन, कि PH3 में हाइब्रिडेशन नहीं होता। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई डाउट? PH3 में हाइब्रिडेशन नहीं होता। अब हमारा सवाल था क्यों नहीं होता। सवाल क्या था? कि भाई PH3 में हाइब्रिडेशन क्यों नहीं होता? PH3 में हाइब्रिडेशन क्यों नहीं होता, उसका रीजन सुनो। तो उसने स्टेटमेंट दिया, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर मैंने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था। क्या था? कि व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल था इसका सेंट्रल एटम, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का है, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो दिस ऑन पीरियडिक टेबल, यानी कि पीरियडिक टेबल में नीचे आ रहा हो, यानी कि थर्ड के बाद क्या होता है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। क्या होता है? थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो दिस इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि थर्ड पीरियड का है या उससे नीचे वाला है, तो जो लोन पेयर है वो कहां रहेगा? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल में। जल्दी बताओ, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल में रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक? फिर उसने कहा कि बॉन्ड जो बनेगा वो पी ऑर्बिटल से बनेगा। बॉन्ड किससे बनेगा? प्योर पी ऑर्बिटल से बनेगा। यहां तक क्लियर? और अगर प्योर पी से बनेगा तो पी 90 डिग्री पे होते तीनों, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो एंगल 90 के आसपास आएगा, ठीक है, और कोई हाइब्रिडेशन उस समय नहीं होगा। फिर एक कंडीशन डाली, लेकिन सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 2.5। क्या बोला? 2.5। बेटा फर्स्ट पीरियड वाले बनाते ही नहीं है ना ज्यादा बॉन्ड, फर्स्ट पीरियड वाले कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो ये स्टेटमेंट को अब हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए उसने मॉलिक्यूल लिया PH3, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसने 3s2 3p3, यहां दो इलेक्ट्रॉन है, यहां तीन है, तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये 3s आ गया, 3p आ गया।
हमेशा बॉन्ड बनता है हाइब्रिडाइजेशन से, तो उसने स्टडी करी कि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा यानी ये मिक्स होंगे, तो इनको मिक्स होने के लिए पहले 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? इनको मिक्स होने के लिए 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी, तब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये बॉन्ड बनते तीन, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, वो ज्यादा होनी चाहिए थी, अगर वो ज्यादा होती तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, लेकिन वो ज्यादा नहीं निकली, उसने स्टडी करी तब, वो 600 से क्या निकली, कम, तो क्लियर कट हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं निकल रही। हमेशा क्या बोला था मैंने, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यहां तो नेट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा ये। अब जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा तो ये कैसे रहेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर तो कहां रह गया, 3s में ही रह गया, ये लोन पेयर कहां रह गया, 3s में ही रह गया, ये लोन पेयर 3s में ही रह गया, हाँ या ना। अब लोन पेयर 3s में रह गया तो s न्यूक्लियस के पास होता है, s अगर न्यूक्लियस के पास होता है तो आप सोच सकते हो क्या हुआ, s अगर न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर लग रहा है, तो s पर लग रहा है सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, मतलब s के लोन पेयर पे लग रहा है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन लगने की वजह से वो लोन पेयर घूम नहीं पा रहा, घूम ही नहीं पाएगा ज्यादा, तो एक्टिव नहीं हुआ, तो इसलिए उसको कहा जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। क्या कहा जाता है? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। क्या कहा जाता है जल्दी बताओ? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। तो ये स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर ये बन गया। अब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे वो पी में थे, वो बॉन्डिंग करेंगे, तो बॉन्ड पी में जो है वो पी में तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, तो एंगल आपस में 90 के आसपास ही आएगा, आया ना, 90 के आसपास आएगा, एंगल 90 के आसपास आ गया, ठीक है। तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, एंगल 90 के आसपास आ गया, स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव, एस ऑर्बिटल में रह गया लोन पेयर, बट सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लेस देन 2.5। अगर ज्यादा हो गई तो क्या लफड़ा हुआ, कि जैसे ही ज्यादा हुई वो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, अगर वो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, अगर वो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये गैप कम हो जाएगा, ये गैप कम हो जाएगा, और अगर ये गैप कम हो गया, ये गैप अगर कम हो गया हो सकते हो आप, तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में जाना चाहेगा, बोलो हाँ या ना, वो किस में जाना चाहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये गैप कम नहीं होना चाहिए था अगर हाइब्रिडाइजेशन करना है तो, हाँ या ना। तो आप आई होप आपको ड्रेगो रूल समझ में आया होगा। अब मेरे को एक सवाल समझाओ आप, क्वेश्चन पूछा उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर लुइस बेस। अब ये लुइस बेस पूछ रहा है, एक तो अमोनिया में और एक इसमें, लुइस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, मैं लिख देता हूं, लुइस बेस होता है लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज। दोबारा से बोलना, क्या होता है ये, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज। अब मुझे बताओ कि यहां तो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां तो आइस करेक्टर क्या होगा, 25% से ज्यादा, यहां आपका जो ये है वो किस में है, वो तो एस ऑर्बिटल में ही है, ये तो एस ऑर्बिटल में ही है मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, तो इसका मतलब ये एस ऑर्बिटल में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर ये आसानी से लोन पेयर नहीं देगा, आसानी से लोन पेयर नहीं देगा तो फिर क्या होगा, ये ज्यादा अच्छा लुइस बेस होगा, आया ना, क्लियर। एक टर्म और आएगी लिगेंड, और लुइस बेस को ही लिगेंड कहा जाता है, ये भी क्या होती है, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, ठीक है। क्वेश्चन पूछा फिर से उसने, विच इज बेटर लिगेंड, आप ही को बताना है, बताओ कौन अच्छा बेटर लिगेंड होगा, जल्दी बोलो, लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर डोनर, कौन अच्छा लोन पेयर डोनर होगा, तो यहां अगर हम देखें तो लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है,
यहाँ लोन पेयर एस ऑर्बिटल में है, यहाँ तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो दे ही नहीं पाएगा, यही ज़्यादा होगा। आया ना? अगर मैं उल्टा पूछूं कि फॉर्मेशन ऑफ NH4+ इजी और PH4+ इजी, दिमाग की बत्ती जला के बताना आप, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि फॉर्मेशन ऑफ NH4+ इजी और PH4+ इजी, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये अमोनिया अपना लोन पेयर देगा इसको और ये PH3 लोन पेयर देगा इसको, कौन ज्यादा आसानी से देगा सोच के देखो फटाफट से। यस सर, जल्दी। वैष्णवी आपका होमवर्क है कि आप दोबारा से आज देखेंगे और वापस मेरे पास आके पूछेंगे, बिकॉज मैंने दो बार एक्सप्लेन किया है ना वैष्णवी, ठीक है? अगली क्लास में आके फिर से पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, ठीक है? अब बताओ कौन ज्यादा बनाएगा इजी, ये NH4+ ये PH4+ कौन बनाएगा जल्दी बताओ। हाँ ये इजी बनाएगा आंसर में, तो आंसर क्या जाएगा? इजी। इसी तरह से एक सवाल और पूछेगा, विच इज बेटर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो दिमाग की बत्ती जलाते हैं, ये MnS3 है, ये वाटर है, ये PH3 है और ये वाटर है, ये बना दिया उसने NH4OH, ये बना दिया उसने PH4OH, अब बताओ फटाफट क्या हुआ? ठीक है जल्दी बताओ। अब आसानी से कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, यही आसानी से देगा तो ये जल्दी बना देगा NH4OH, यानी पानी में जल्दी सोल्यूबल होगा, ये धीरे होगा, तो आंसर क्या जाएगा? NH4OH। हाँ या ना बोलो, तो इसलिए ये सोल्यूबल होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त मेरे। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, क्या PsiH4 में हाइब्रिडाइजेशन होगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiH4? सोच के देखना और आंसर बताना। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiH4? जल्दी बताओ। अब देखो आंसर आएगा इसका sp3। ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiH4? आंसर क्या आएगा? sp3। अब सवाल है कि क्यों, वाई, तो रीजन समझना। SiH4 में ये आप देख सकते हो, SiH4 में बोलो, SiH4 में चार बॉन्ड आ रहे हैं और इन चार बॉन्ड की एनर्जी तो 600 से ज्यादा ही होगी ना, वहां तो जो कम थी वो तीन बॉन्ड्स की थी। तीन बॉन्ड हो या दो बॉन्ड हो तब तक आपकी ड्रेगो की बात होती है, चार बॉन्ड आती है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी चार की, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बोलो चार की ज्यादा हो जाएगी, और चार की ज्यादा होते ही क्या होगा फटाफट बताओ, चार की ज्यादा हो जाएगी और चार की ज्यादा होते ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? पक्का? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये आ NH3 है, ये आपका ASH3 है, SbH3 है, BiH3 है और एक PH3 है, ये H2O है, H2S, H2SC
और एस टू टी। देखो यहां पर हाइब्रिडेशन होता है, ये एस पी थ्री है, ठीक है, ये एंगल आपको पता है 107 होता है, ये एंगल 104 होता है। यहां पर देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल नियर अबाउट क्या आएगा 90 ड्यू टू ड्रेगोज रूल। यहां ड्रेगो रूल क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर सेकेंड पीरियड का सेंट्रल एटम है, सेकेंड पीरियड का अगर सेंट्रल एटम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द ड्रेगोज रूल, और आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया पूरा याद करके आना, याद करके आने के बाद, पढ़कर आने के बाद वापस हम अगली क्लास में पूछेंगे आपसे। आई होप आप पढ़कर आएंगे, और आप पढ़ने के बाद आप बताएंगे डाउट जो होंगे, ठीक है। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये हमेशा याद रखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, तब तक के लिए।